पीएम मोदी विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन मोदी सरकार में विकास का हाल क्या है ये जीडीपी के आंकड़ों से साफ हो रहा है। देश का विकास आगे बढ़ने की बजाय बेपटरी हो रहा है। जी हां, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.8% होगी, जबकि पहले 7.2% रहने का अनुमान लगाया था। अभी पिछले दिनों ही मोदी सरकार को जोरदार झटका लगा था, जब चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद विकास दर गिरकर 6.6% रह गई, जबकि दूसरी तिमाही में विकास दर 7.1% रही थी। तीसरी तिमाही के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में थी कि अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने विकास दर गिरने की भविष्यवाणी कर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.8% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि हालांकि हमने अर्थव्यवस्था में उम्मीद से कमतर तेजी के कारण अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान कम किया है, इसके बाद भी देश का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2019-20 में 6.8% और वित्त वर्ष 2020-21 में 7.10% की दर से बढ़ेगा। आपको बता दें कि फिच ने पिछले साल दिसंबर में चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया था। फिच ने कहा कि हमने आधार दर के बारे में अपना परिदृश्य बदला है और हमें पहले की आशंका के अपेक्षाकृत आसान वैश्विक मौद्रिक परिस्थितियां तथा मुद्रास्फीति के दायरे में रहने के कारण आधार दर में 0.25% की एक और कटौती का अनुमान है। ऐसे में ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों ने विकास को कैसे बेहाल किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।